शक्ति केंद्र संयोजक एवं बूथ अध्यक्षों के साथ सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक को लेकर टिहरी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में गरीबों, पिछड़ों, दलितों के महिलाओं के उत्थान के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनसे आम आदमी लाभान्वित हो रहा है। वहीं टिहरी में मेडिकल स्थापना एवं सशक्त भू कानून को लेकर उन्होंने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। इस मौके पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल, मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रमोद उनियाल, विनोद रतूड़ी, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धने से कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निश्चय किया है और उन्हें हम सब कार्यकर्ता यानी समाज के हर वर्ग से देश के लिए वो क्या कर सकते हैं उस पर केंद्रित करने को कहा है। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर हर स्थान पर रक्तदान के शिविर चल रहे हैं। मैं भी टीवी के अंदर आकर मैंने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और कल से लेके और हमारे 24 तारीख तक हर मंडल स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे। अनेक मंदिर हैं उन पर स्वच्छता कार्यक्रम चलेंगे, विद्यालय भवन परिसर है उनमें स्वच्छता कार्यक्रम चलेंगे और एक सामाजिक जागरण स्वच्छता के दृष्टि लोग करने वाले, क्योंकि बीमारी केवल गंदगी से आती है। भारत स्वस्थ रहे, निरोग्य रहे, इस भाव के साथ ये कार्यक्रम 24 तक रहेगा। 25 को दीनदयाल जी का जन्मदिवस है और हमारा संस्था का पर्व चल रहा है, संगठन पर्व चल रहा है, इसलिए 25 तारीख को व्यापक संस्था का अभियान को हम लेने वाले हैं। जहाँ तक मोदी जी के स्वाधीन के कार्यक्रम का विषय है, हर क्षेत्र में, चाहे युवाओं के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में, हमारे जो रोजगार सृजन के क्षेत्र में, हर दिशा में सड़क कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी हो, इस सारे क्षेत्र में गुणात्मक जो कार्य इस बीच में, विदेशों के अंदर भी भारत के संबंधों का विषय हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने 100 दिनों के जो काम किए हैं वो आज मैंने अपने पत्रकार महोदय को अपने पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप सबके समूह रखे हैं। सर, अभी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, विश्वास रखिए, इस राज्य को हमने बनाया, ग्रीष्मकाल राजधानी हमने बनाई, राज्य के अंदर नकल विरोधी नकल विहीन परीक्षाओं इसकी रचना हमने की, जबरन धर्मांतरण के लिए कानून हम लाए, हर प्रकार से देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। और जो अपना भू कानून है उसके भी बहुत जल्दी आपके सामने सख्त भू कानून का स्वरूप आपके सम्मुख होगा। बस शांति बनाए रखें दिल्ली के अंदर, जो माहौल दिल्ली की स्थिति आज जिस प्रकार का वातावरण दिल्ली का बना हुआ है, अब राजनीतिक द्वंद्व इससे निकल कर आएंगे, कुछ दिन वो आपको सामने होगा। सर, टिहरी में मेडिकल कॉलेज स्थापना को लेकर कुछ, मैंने कहा हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की बात हुई है, उसके स्थान की रचना जैसी होगी दिल्ली का उसके आगे में। सर, अभी कैबिनेट में मुख्यमंत्री का विवेकाधीन विषय है और क्योंकि संगठन के नाते हम तो चाहते हैं जल्दी हो जाए, बातचीत हुई है, हर स्तर पर उसकी चर्चा हो रही है, बहुत जल्दी उसके भी रिजल्ट आपके सम्मुख होंगे। ठीक है सर।